क्या हुआ है, हाथ क्यों खड़ा करके आ रहे हो? हम सरेंडर कराया अपने आप को। क्या किए हो? किसको मारे हो? अगर कोई आरोपी पुलिस के सामने खुद अपना गुनाह कबूले तो देश में इससे अच्छी बात क्या होगी। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक आदमी ने देश का अच्छा नागरिक बनने की कोशिश की है। उसने घर के मुखिया का कर्तव्य निभाते हुए आक्रोश में एक ऐसा कदम उठा लिया जिससे वो आरोपी हो गया। हमारी इस रिपोर्ट में आप देखिए ये वीडियो। क्या नाम है आपका? परवेश। पिताजी का? जगदेव। कहाँ रहने वाले हो? पटौरा। थाना कौन सा पड़ता है? पारा। क्या किए हो? किसको मारे हो? रजनीश। अच्छा, क्या किया था रजनीश? रजनीश हमारी बुढ़िया रोज बदतमीजी करके रहता है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति पुलिस थाने में अपने दोनों हाथ उठाए चलता चला आ रहा होता है। व्यक्ति ने लाल रंग का गमछा पहना हुआ है। व्यक्ति के समीप आते ही उससे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो। इसके जवाब में वो अपना गुनाह कबूल लेता है। दरअसल उससे पूछा गया कि क्या हुआ है, हाथ क्यों खड़े करके आ रहे हो, जिस पर आरोपी बताता है कि साहब हम सरेंडर करेन आए हैं। इसके बाद आरोपी से उसका और उसके पिता का नाम पूछा जाता है। वो अपना नाम प्रदेश बताता है और अपने पिता का नाम जगदेव बताता है। इसके बाद आरोपी से पूछा जाता है कि कहाँ के रहने वाले हो, जिसके जवाब में आरोपी बताता है कि पटौरा रहते हैं और थाना पारा पड़ता है। जब आरोपी से पूछा जाता है कि क्या किया है तो आरोपी बताता है कि हमने मार डाला है। जब ये पूछा जाता है कि किसको मारा है तो आरोपी रजनीश नाम बताता है। पिताजी का? जगदेव। कहाँ रहने वाले हो? पटौरा। थाना कौन सा पड़ता है? पारा। क्या किए हो? किसको मारे हो? रजनीश। अच्छा, क्या किया था रजनीश? रजनीश हमारी बिटिया रोज बदतमीजी करके रहता है। आरोपी बताता है कि रजनीश ने हमारी बिटिया के साथ बदतमीजी की। आरोपी पिता ने अपनी बिटिया के लिए ऐसा किया, लेकिन अपराध तो अपराध है। भले ही उसका इरादा ऐसा ना हो, लेकिन शायद ये गुनाह के अंदर ही आए। हमारी इस रिपोर्ट पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पिता के नजरिए से ऐसा करना सही रहा या नहीं? और एक नागरिक के तौर पर आरोप करने के बाद अपना गुनाह हर आरोपी को कबूलना चाहिए या नहीं? इस मामले पर अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए HCN न्यूज़।